उद्घोषक महोदय, आई के जागरण सभा मधेशी एकता जागरण सभा कार्यक्रम के में उपस्थित राष्ट्रीय जनता पार्टी के महासचिव जगदीश अधिकारी जी, पार्टी के केंद्रीय नेता सरोज मिश्रा जी, देवनारायण यादव जी, रामचंद्र मेहता जी, पार्टी के जिला संयोजक डॉक्टर सी एन पाठक जी, पार्टी के जिला नेता नंदलाल मेहता जी, पार्टी के इनरवार नगर कमेटी के संयोजक राजीव मेहता जी, अठमा उपस्थित बगल कप्तानगंज के और साहेबगंज के नेतागण और जन समुदाय एवं सज्जन भी, सब में हमर तरफ से स्वीकार करूँ, जय मधेश, जय जनता। आज ई कार्यक्रम जे अठमा भ रहा है, अहाँ सबके जानकारी कराबे ले चाहे छी, ई कार्यक्रम वोट मांगे कार्यक्रम नहीं छे। आय अरे साहेबगंज के हटिया पर जे कार्यक्रम भ रहा है, वोट मांगे के लिए कार्यक्रम नहीं भ रहा है। अहाँ सबके ई नहीं कहल जा रहा है जे छाता छाप के वोट दियो और चुनाव में जिताओ, अभी चुनाव के वक्त से, लेकिन चुनाव होने नहीं जा रहा है। मधेशी जनता के गुलाम बनाने के षड्यंत्र भ रहा है, मधेशी जनता के दास बनाने के षड्यंत्र भ रहा है। उस षड्यंत्र के पर्दाफाश करे की सभा से, आज यही सभा से षड्यंत्र के पर्दाफाश करे और इस बार नेता सब जो बदले पर्दाफाश वो कर ले। अहाँ सबको पता है, अहाँ सब आंदोलन में गेल हुए, आंदोलन में सहभागी भेल हुए, पूरे 11 वर्ष से निरंतर मधेशी जनता आंदोलन क्या रहा है। 2063-64 साल में मधेशी जनता आंदोलन कर लेते 60 आदमी सहारा देते, तेकर बाद सशस्त्र और भूमिगत संगठन के नाम पर आंदोलन मिले, ज्ञात अज्ञात हजारों शहादत देते, हजारों शहीद मिले। ये जगदीश अधिकारी पहले बंदूक उठा के मधेश के लिए आंदोलन कर चले, इन तरह के संगठन में हजारों हजार लोग मधेश के लिए अपन शहादत देते, तेकर बाद फिर आंदोलन मिले, बारंबार आंदोलन मिले। कनिये दिन अगाड़ी 6 महीना लंबा नाकाबंदी मिले, वे आंदोलन में 100 लोग शहादत दिलके, अठमा साहेबगंज में आंदोलन के क्रम में द्विपक्षीय झड़प, नाकाबंदी के क्रम में अनेक प्रकार के झड़प सब मिले, अठना से लोकसभा आंदोलन में सहभागी मिले, जोगबनी नाका में जाके आंदोलन में सहभागी मिले। अहाँ सब जे आंदोलन में सहभागी मिले वही सबके और हमरे मन में, चूंकि हम एक आंदोलनकारी योद्धा एक सिपाही रही, आंदोलन के अग्रपंक्ति में हम एक खड़ा रही, हमरे मन में एक प्रश्न उठे, आखिर तमाम आंदोलन कथी ला, क्या भले आंदोलन, क्या लोग मरले, क्या लोग शहीद भले, क्या लोग के कपार फूटले, क्या लोग के खून बहले, क्या ककरो मान उजड़े, क्या ककरो पोख उजड़े, आई तमाम प्रश्न मधेशी जनता कह रहा है। आई तमाम प्रश्न हम एक योद्धा के हिस्से पे कह रहा है। जे एजेंडा है, जे मधेश के मुद्दा है, वो तमाम मुद्दा संविधान में लिखावे के लिए वो आंदोलन ले रहे, वो 8 मुद्दे समझौता 2064 साल फागुन 16 लेते मैंने, वे 8 मुद्दे समझौता कभी स्क्रीन पे जे संविधान में मधेश के मुद्दा लिखल जाए, जे मधेश का अधिकार नहीं भेटल से वो अधिकार के बात संविधान में लिखल जाए, वही खातिर आंदोलन भेल रहे। यदि अधिकार लिखे के गारंटी नहीं करनी तो चुनाव नहीं हुआ, तो हम सब याद होते 2064 साल में पहले संविधान सभा के चुनाव में हम सब आंदोलन कर लिए, नॉमिनेशन तक देना नहीं दे लिए, फिर
समझौता में आठ समझौता तकर बाद नॉमिनेशन के डेट पूरा खत्म गए तकर बाद चुनाव संभव पहले संविधान सभा के चुनाव अब याद ताजा कराबे चाहे अखनिये जगह चुनाव तेनो घोषणा करल गए वही चुनाव में सहभागी नहीं होते मधेसी जनता जब तक आवे वाला संविधान सभा में मधेसी जनता के हक अधिकार लिखे के गारंटी नहीं करनी कह के सरकार समझौता नहीं कर लेते तब तक मधेसी जनता नहीं मान लेते और अंततः समझौता करे पड़े समझौता करला के बाद चुनाव संभव भेले अखन ठेके रहने परिस्थिति से संविधान बन गए लेकिन क्या इस संविधान में जय खातिर पूरे दस दस बरस अपना सबके आंदोलन कर लिए पूरे हजारों हजार लोग शहीद मिले उतने में वैसे पहले आंदोलन भले सर्वभावना निरंतर रूप से आंदोलन करे थे वैसे पहले आंदोलन भले और जिला के रघुनाथ ठाकुर हरिनगरा के रहे 2008 साल से रहकर आंदोलन करे थे मधेसी जनता के लिए उसब कथिला उसब किया अभी संविधान में अपन हक अधिकार लिखे खातिर क्या इस संविधान में अपन हक अधिकार लिखल सकलिए प्रार के कि यह संविधान में अधिकार लिखल गले नहीं लिखल गले आप सब कर स्पष्ट करना चाहे छी जे संविधान बनले वही संविधान में मधेसी जनता के कोनो हक अधिकार निकलने के लिए बल्कि चार हक अधिकार भेटल गए और छीन लेते छीन के संविधान में अपना के और गुलाम और दास बनाए के एक दस्तावेज थे इस संविधान इस संविधान यदि कार्यान्वयन होते इस संविधान यदि लागू होते तो मधेसी जनता सब तीन के बेल गुलाम और दास बन जाते केना गुलाम और दास बनते हम प्रश्न करेला चाहे छी आदरणीय साहब वनवासी अहाँ सब के लेल और ज्यादा महत्वपूर्ण छै बेसी नहीं मुद्दा छै पांच सात टा प्रमुख मुद्दा सब छै नंबर एक जे अधिकार सब दिन से भेट चुकल है नागरिकता के बारे में हम बजेला चाहे छी आज तक पंचायतों काल में जैया राणा के शासन रहे शाही शासन रहे वे क्रूर संविधान पंचायतों काल में रहे वे क्रूर संविधान नागरिकता के सवाल में इस संविधान से नागरिकता के संबंध में संविधान में लिखल से जो केवल वंशज नागरिक और देश के पहला दर्जा के नागरिक से केवल वंशज नागरिक और देश में नेता मंत्री या मुख्यमंत्री बने पाते केवल वंशज नागरिक प्रशासन के प्रमुख पद में जाय पाते अधिकृत वगैरह बने पाते केवल वंशज नागरिक सेना में प्रमुख पद में जाय पाते राष्ट्रपति वगैरह बने पाते और वंशज नागरिक के होते बहुत महत्वपूर्ण चीज है वंशज नागरिक जकर माय बाप वंशज नहीं छे ओकर धियापुता वंशज नागरिक नहीं होते और मधेसी के अधिकांश नागरिकता जन्मसिद्ध के आधार पर छे जन्मसिद्ध नागरिकता छे अंगीकृत नागरिकता छे एकर पछाड़ी के कारण छे बारम्बार जे टोली अले मधेस में पिछला बार जे टोली अले 2062 साल में उ टोली 75% नागरिकता जमशेद के नागरिकता देते 75% नागरिकता 25% वंशज के नागरिकता देते जमशेद के संतान के दावे नागरिकत्व ने दे रहे थे और अखिल का संविधान अनुसार ओकर संतान के नागरिकत्व ने बनते तो आधा से ज्यादा मधेसी ये अधिकार से वंचित भले कि नहीं आ सकते यदि इस संविधान कार्यान्वयन होते तो आधा से ज्यादा मधेसी ये अधिकार से वंचित होते कि नहीं कई नाय नायिकाओं वाला दिशा में एक और से प्रश्न अपना सबके शादी विवाह
इंडिया नहीं से, इंडिया से लड़की आवे से और दूसर के लड़की इंडिया नहीं से। बहुत महत्वपूर्ण बात छे, इंडिया से शादी करके जेकरा आवा आनवे अपन घर में, वो अपन घर द्वार सारा चीज छोड़ के आवे छे, आवे छे कि नहीं? संपूर्ण चीज त्याग कर आवे छे, अपन माँ बाप राष्ट्रता देश सारा चीज त्याग करके पति के घर आवे छे, तो सब चीज पति हो छे। लेकिन इस संविधान में लिखल छे ओकरा कुछ नहीं करते, ओकरा किसने भेजते, किसने के मतलब ओकरा पंचायत के नायकता नहीं भेजते, यदि ओकरा पंचायत के नायकता नहीं भेटले तो ओकर नौकरी का अधिकार नहीं भेटते, यदि ओकरा नौकरी का अधिकार नहीं भेटले तो ओकरा आधार कार्ड के नाम भेटो। ओइ संविधान में लिखल छे शादी करके जेकर आवे अपन घर, वो आके घर में दोसर घर जाके नागरिक रह, वो आके घर के नौकर और दास रह। इस संविधान महिला अधिकार के साथ एक विभेद करते और वही संविधान के मनुष्य जनता केना स्वीकार करते से को। और इस संविधान में लिखल छे यदि यहाँ वंशज नागरिक छे, चलो वहां वंशज नागरिक छे, नागरिकता में वंशज नागरिकता लिखल छे, तेकर बावजूद इस सबसे बेसी समस्या सहरसा में होय वाला छे, तेकर बावजूद यदि कथन कराची से बॉर्डर के वही पार बच्चा के जन्म भ गए फार्मिस जा सके डिलीवरी केस लागे जा सके इंडिया के कोनो हॉस्पिटल में मामा घर या कोनो प्रकार के आपंत रिलेशन के घर में यदि बच्चा पैदा होले बॉर्डर वे पार, तो इस संविधान में लिखल छे नेपाल के सरहद के भीतर में, नेपाल के सरहद के भीतर में यदि ककरो बच्चा पैदा होले ओकरे वंशज के नागरिकता मिलते। यदि आप वंशज के नागरिक छे, आके खून आके औलाद यदि बॉर्डर के वे पार पैदा होले तो वही देश के दूसरे में जाके नागरिक नागरिक है। कौन क्या स्वीकार करिए संविधान? जो दिन इस संविधान जारी भले मधेसी जनता ब्लैक आउट कर लेते, मधेसी जनता अपन घर के दिया बुझा देते, सारा बत्ती बुझा देते, काला दिन के रूप में मने लेते। इस संविधान काला संविधान से, इस संविधान मधेसी जनता का दास बनने वाला संविधान से। कल दिन ऐसे पहली बार संविधान में लिखा गया मधेसी जनता के जते जनसंख्या से समानुपातिक प्रतिनिधित्व हरेक निकाय में है। आपसे तो याद है नौकरी में हरेक निकाय में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण सहित व्यवस्था कर जाए, तो कोई पास से तरह कर रही मधेसी कोटा से पास है। और इस संविधान में चीज के अंत कर दे को, और इस संविधान में समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटा करके वही संविधान में लिख लगे केवल प्रतिनिधित्व। यदि एक से आदमी लोकसभा दल के एक प्रमदेशी पास रहने भैर ले प्रतिनिधि तो भैर ले मिलो, स्वयं आदमी में एक प्रमदेशी के लिए तो प्रतिनिधि तो भैर है। यदि कहते जब महिलाओं के प्रतिनिधि को कराओ पड़तो तो एक से आदमी में एक का महिला वाले तो भैर है, लेकिन महिला के जनसंख्या से आ रहा, मधेसी के जनसंख्या से आ रहा, लेकिन स्वयं में एक प्रतिनिधि को करने के लिए भाग वही संविधान में लिखा है, अर्थात भीतर अधिकार छीन लेंगे। मधेसी जनता के भीतर अधिकार इस संविधान छीन लेंगे, आदिवासी जनजाति के भीतर अधिकार इस संविधान छीन लेंगे, मुस्लिम का भीतर अधिकार इस संविधान छीन लेंगे, दलित का भीतर अधिकार इस संविधान छीन लेंगे, महिला के भीतर अधिकार इस संविधान छीन लेंगे। इस सबके समानुपातिक प्रतिनिधित्व आरक्षण की व्यवस्था रहे इस संविधान छीन लेंगे। तो
ऐसे पहलवा संविधान में लिखा हो नेपाल में बोले बना सब भाषा राष्ट्रभाषा ओहि संविधान में की लिख देल के जे नेपाली बोले छे उ सरकारी कामकाज के भाषा छे ओहि नेपाल के भाषा अपना आर के भाषा नेपाल के भाषा नहीं छे ओहि संविधान में लिख देल के परिभाषा कर लेते जे खास से उ नेपाल के नाम है खास के परिभाषा कर मधेशी के नहीं कर लेते केवल खास के पहाड़ के आदिवासी जनजातियों के नहीं लिख लेते दलितों के नहीं लिखे केवल खास कई संविधान में लिखल छे खास के खास वाली को फलाना फलाना जे नेपाल के छे इन मधेशी जनता के गुलाम बनाने वाला संविधान केना स्वीकार कर ते खातिर लेकिन संविधान संशोधन कह के तमाम मुद्दा सब संबोधन कर कह के पिछला एक वर्ष से आंदोलन है छह महीना नाकाबंदी हुआ बंद हड़ताल लंबा समय तक चल रहे अखिल आब के जब दुई तिहाई बहुमत पहुंचावे के वक्त अल दुई तिहाई से संविधान संशोधन करे के वक्त चले ले कई वक्त में संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के एकता घटक मधेशी जन अधिकार फोरम के पहला आयकर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बना लेते एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जी सब चीज छोड़ के कल के जो हम चुनाव में जाए थे हम चुनाव में नहीं जबे तो हमर नेता कार्यकर्ता और पत्र पहन जाते ओकर पर चुनाव में चल गए संविधान में इच्छी सब नहीं हो लिखे थे नहीं हो चुनाव में चल गए एक तरफ पछाड़ी के तरफ हमार नेता कार्यकर्ता और पत्र पहन जाते एक तरफ पछाड़ी के तरफ कोई कर दे जो हमरा मधेश के मिट्टी कर दे तो चुनाव में आई एक वर्ष से कथिल मधेशी जनता के खड़े हुए कथिल हर बलि के पकड़ा बना गए कथिल उस शहीद मिले कथिल के कपार फूटले ऐ नाका में कथिल रहे न मौत के कपार फूटले कथिल जे मर के चल गए भूख नहीं होती लेकिन ओकर आत्मा आए पूछ रहा है जे शहीद रहे न पूछ रहे से कथिल के जीवन व्यर्थ गए जब तेरा संविधान स्वीकार कर रही है जब तेरा मलेशिया का गुलाम बना ही नहीं है ये बहुत बड़ा गद्दारी है ये बहुत बड़ा धोखा है आज कोई धोखा दे के चल गए क्यों धोखा दे के चुनाव में चल गए हम सब कही छे संविधान आयो के छे संविधान संशोधन कर और संविधान संशोधन हेल जाए के संविधान संशोधन है वाला है तो हम सब स्पष्ट रूप से कह रहे जब तक संविधान संशोधन नहीं कर रही तब तक आप मधेश में चुनाव नहीं कर नहीं संविधान संशोधन है आप सब याद रख न्यूज समाचार सुने थे राप्रपा के 10 का सांसद गायब भाग ले तय संविधान संशोधन नहीं नहीं हुआ सकता यदि वो इतना राम प्रताप के दोष के सांसद गायब नहीं थे तो संविधान संशोधन भाग होता तकरबाद पूरा संविधान संशोधन के लिए 4 घंटे के डेट तो कर ले वही से पहले उपेंद्र जी चुनाव में चले गए वही से पहले एक चरण पहले चरण के चुनाव में चले गए वही सब के कांग्रेस वाले के हौसला बढ़ गए हम सब कहे रहिए जे अपना के एक हुए पड़ते एक भिक्का हुए पड़ते चलो ठीक से वो पहले चरण के चुनाव में चल गए लेकिन 3 घंटे एक का बैठक बोले वो बैठक में उपेंद्र जी कहते
जे चुनाव में जा पड़ते उ चुनाव जब उवे चुनाव में चल गए तकर बाद निरंतर एक हफ्ता तक कही गले जे पहाड़ में तो चुनाव भए गलो लेकिन मधेश के मान संबोधन में कही तो मधेश में चुनाव नहीं गलो एक हफ्ता तक निरंतर कही गले मीडिया में सुनने हो एक हफ्ता तक निरंतर कहते लेकिन एक हफ्ता के बाद कह लागे जे अब हम सब चुनाव में जाए चुनाव में जाके तैयारी चल रही है सुने छे ओ गांव में आज तक कोई चल रहे जे केकरा दे टिकट केकरा दे टिकट से पैसा चले छे चुनाव में जाके तैयारी कर रहे छे इतनी बड़का धोखा इतने बड़का धोखा अरे अपने आर कहते ये मुद्दा तो देश भय के मदेश भय के मुद्दा छे ए झापा मोरम सुनसाई के लेल तो और एक बड़का मुद्दा छे ऊंचे झापा मोरम सुनसरी एक नंबर प्रदेश छे पहाड़ी प्रदेश में छे जे ई मदेश झापा मोरम सुनसरी मदेश छे ने लेकिन एकरा पहाड़ी प्रदेश मारा गेल यदि ई संविधान कारण विभाग ले तो अपना आर के हमेशा हमेशा पहाड़ी प्रदेश में रहे पड़ते जब तक ई संविधान में लिखल छे ई संविधान में लिखल छे जे यदि झापा मोरम सुनसरी मधेश प्रदेश में जाए चाहते तो ई प्रदेश के मात्र निर्णय से नहीं पूछते अठना के लोग के निर्णय से नहीं पूछते कानियों के लोग के कह पड़ते रामे छापों के लोग के कह पड़ते तबे ही मधेश में जाए पाते ई संविधान में लिखल अर्थात संपूर्ण प्रदेश सब सातटा प्रदेश बनेने छे ना सातो प्रदेश बहुमत से कहते तवे से आवगन मधेश प्रदेश है सातो का प्रदेश बहुमत से कहते तवे मधेश प्रदेश है ऐ संविधान में लिखल है यदि संविधान यदि स्वीकार कर लिए तो ही खाली हम सब कहते 274 धारा खारिज कर वो धारा में चीज लिखा है यदि संविधान स्वीकार कर लिए तो कोई यो झापा मोरम संसार के मुक्ति भेटे वाला नहीं छे ते खाबे आदरणीय मनीषी जन समुदाय हमरा सब कहे छे कोई भी शर्त में संविधान संशोधन कर कोई भी हालत में संविधान संशोधन कर ठीक छे तोरा नागरिकता में ये लिखे के छे जे अंगीकृत छ कोनो अधिकार नहीं देबे तो लिख आप आए के नीति से अंगीकृत नागरिकता दे लेते तो ओकरा कोनो अधिकार नहीं देगा आए के नीति के बाद कोई अंगीकृत नागरिकता नहीं लेते यदि ये लिखे के छो जे अंगीकृत के नागरिकता के नागरिक मतलब अंगीकृत के कोनो अधिकार नहीं देते छो तो आए के नीति से लागू कर तो आए के नीति से लागू कर भी तो आए के नीति से साहबगंज के लोग इंडिया में ब्याह शादी नहीं करते आई टू मिट्टी से दिए लागू और लेकिन जे ब्याह के तो चल रहे थे ओकरा अधिकार दिए पड़ते जे ब्याह शादी के तो चल रहे थे जेकर ससुराल में जे महिला इंडिया में से ओकरा अधिकार दिए पड़ते एक नियम एक कानून कतो संसार में नहीं है कानून आधारित दिन के लिए बने छे पछाड़ी दिन के लिए नहीं नेपाले एकटा एहन देश छे जे तोरा पहिले अधिकृत नागरिकता भेटल छो तू पहिले इंडिया से भी आकर के चले ली ते खाली तोरा हक अधिकार नहीं मिलत ई ते एहन रहे गेलै जेना अखन बिहार में एकटा कानून बनल छे बिहार में एगो कानून बनल छे जे कोई दारू पीते या जे कोई दारू बेचते ओकरा 10 वर्ष के कोई बनल छे ना बनल छे कि नहीं अब दरोगा कोनो एहन लोग के पकड़ ले और कहे जे तू 5 वर्ष अगाड़ी बोतल के बोतल पिए थे ते घर तोरा 10 वर्ष के जेल जा पड़त संभव छे कानून तो अगाड़ी के लेल छे ना जे या कानून बनले तेकर बाद के दारू नहीं पीते
अब 5 बरस अगाड़ी दारू पीना नहीं कहते वो पकड़ के आते हते हते संभव लेकिन नेपाल में तना भयाल है चल हमरा सब कहे छे जे जे कोई अमित नायतन ले लेना छे अर्थात जे कोई ने से बिया के चले छे ओकरा का अधिकार देवे का करते आ आज से कानून बना जे आम जे अधिकृत नाम का लेते ओकरा कोनो अधिकार नहीं देते तो श्यामगंज वाला श्यामगंज वासी आज भी से मीडिया में अपने करते बहु पहाड़े में जाकर बिया के करते हैं आज से वो नियम लागू कर अब लड़की इंडिया से नहीं आने का कता सा पहले से कहना पड़ता है कई खातिर ये उल्टा पलटा नियम कानून परापूर्व काल से विवाहित संबंध इंडिया नेपाल के बीच से ओकरा तोड़ेला नहीं मिलते ओकरा तोड़ेला ही 10,000 नहीं सकल के तो ओकरा तोड़ेला ही काठमांडू के शासक की सकता इस संभव नहीं से तो ये खातिर संविधान हम सब नहीं मानते थे और इस संविधान कार्यान्वयन तवे होते इस संविधान में लिखा हुआ है अखन का सरकार इस संविधान अनुसार नहीं है अखन 601 संसद से उस 601 संसद अनुसार सरकार बनल से अखन पुणे कानून से लाल से यदि नया चुनाव होते नया चुनाव अनुसार एक से 61 संसद होते संसद में नया चुनाव अनुसार गई पहले तो गांव सर है ना शहर में तो गांव सर है नया चुनाव अनुसार गई गांव पालिका वर्ग के ऊपर चुनाव होते तो इस संविधान कार्यान्वयन होते यदि संविधान कार्यान्वयन होते तो अपना आता हमेशा हमेशा के गुलाम बन जाए आखिर ना कड़ी लगे नहीं थे आखिर मधुशाह के हाथ में कड़ी लगा थे यदि चुनाव भाग ले मधुशाह किसी दिल या बिना संविधान संशोधन के ये चुनाव प्लस संसद के चुनाव ये दोनों चुनाव यदि भाग ले ताकि न हकड़ी लगे नहीं चाहिए बाद में गुलाम बन पड़ते जेल जा पड़ते जरा जेल जैसे पहले लोग का हकड़ी लगा रहे थे ना जेल जैसे पहले लोग का हकड़ी लगा रहे थे तक न अगर स्वतंत्रता सब हरण भाग चुका गया थे लेकिन जब वो जेल चल रहे थे चार दीवार के भीतर में तब वो निश्चित समय के लिए गुलाम बन गए थे तो ना मधेशी जनता हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन